एक अलौकिक प्रेरणा जिसने आम लोगों को कुछ खास करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें ये लगा कि इंसानों के जरिए अपना मैसेज पहुंचाना ज्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसे मेहमान जिन्होंने युद्ध से लेकर शांति तक हर पहलू का अनुभव लिया, शायद उन्होंने जोन ऑफ आर्क को वो सारी जानकारी दी जिसकी वजह से वो अपनी सेना को उस जंग में जीत दिला पाई। और कुछ ऐसी मुलाकातें जो अपने पीछे हमारे इतिहास और भविष्य के अनगिनत सुराग छोड़ गई। पहले मुझे लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये एलियन से जुड़ा एक मैसेज है। दुनिया भर में मौजूद लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है कि दूसरी दुनिया के जीव हमारी दुनिया में आते जाते हैं, और अगर ये सच है तो क्या हमारी मौजूदा दुनिया की दिशा तय करने में प्राचीन एलियन की वाकई कोई भूमिका थी? क्या हमारे बीच मौजूद कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं? क्या वो कोई जरूरी संदेश पहुंचाने की कोशिश में है? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है एलियन कॉन्टैक्ट्स। ये है इंग्लैंड की सफ़ॉक काउंटी में मौजूद रैनलिशम फॉरेस्ट। ये जगह लंदन के उत्तर पश्चिम में लगभग 130 किलोमीटर दूर है। शीत युद्ध के दौरान 12,000 से ज्यादा अमेरिकी अधिकारी और सैनिक इस जंगल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर मौजूद वायुसेना अड्डों पर तैनात थे। आरएएफ बेनवाटर्स और आरएएफ वुडब्रिज 26 दिसंबर 1980 को आधी रात के थोड़ी देर बाद ही मिलिट्री रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, और आम लोगों ने भी आसमान से आती अजीब रोशनी का जिक्र किया था। कुछ ही मिनटों में सेना की पुलिस से स्टाफ सर्जेंट जेम्स पेनिस्टन और एयरमैन फर्स्ट क्लास जॉन बरूक को जंगल में जांच करने के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने जो देखा वो इससे पहले किसी भी अधिकारी ने अनुभव नहीं किया था। जब वहां हम पहुंचे तो मुझे एक ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट जैसा कुछ दिखाई दिया। वो पूरा काले रंग का था, लेकिन उसमें से बीच बीच में नीली, फिर ऑरेंज और फिर पीली लाइट दिखाई दे रही थी। ये बहुत अजीब था। उसमें ब्लू लाइट थी जिसके ऊपर एक ऑरेंज स्पेयर जैसा कुछ बना हुआ था, उसके नीचे से व्हाइट लाइट दिखाई दे रही थी और वहां चारों तरफ एक कोहरा जैसा था। अपनी रिपोर्ट में सर्जन पेनिस्टन ने इस विमान को लगभग 6.5 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा बताया। उन्होंने इस पर बने इन अजीब निशानों को भी बताया था जो देखने में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जैसे लगते हैं। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद यूएस एयरफोर्स का कोई प्लेन है, लेकिन जब मैंने उसे पास से देखा तो उस पर ये पिक्टोरियल ग्लिप्स से दिखाई दिए। उनका कोई मतलब नहीं था। मैंने उस प्लेन को छूकर देखा तो तब भी वो काफी गर्म था। उस 26 साल के सैन्य कर्मी का दावा है कि जब उसने वो विमान छुआ तो उसे कुछ कमाल का दिखाई दिया। उसमें लगातार वंस और जीरोस दिखाई दे रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं था। जैसे मैंने हाथ हटाया वो सब दिखना बंद हो गया। उसके बाद वहां पर चारों तरफ बहुत तेज रोशनी थी, और फिर उसके बाद वो जो कुछ भी था वो वहां से उड़कर कोस्ट की तरफ चला गया। हमारा दोबारा उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहां के डेप्यूटी बेस कमांडर ने पेनिस्टन और बरूफ को ये आदेश दिया कि इस घटना का कभी कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद आज 3 दशकों बाद भी
जेम्स पेनिस्टन इस घटना के सदमे से बाहर नहीं आए हैं, और वो भी इस हद तक कि उन्होंने जो भी देखा उसे लिख कर रखा है। एक ऐसा सुराग जो 30 सालों से छिपा हुआ है। वो ऐसा था जैसे मेरे सामने किसी ने पिक्चर रखी हुई है जिसमें सिर्फ जीरोस और वंस लिखे थे, जिन्हें मैं आंखें बंद करके भी देख सकता था। तो बस मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। उनका क्या मतलब है मैं नहीं जानता। जेम्स पेनिस्टन के विजन में दिखाई दिए ये नंबर क्या किसी तरह का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोड हो सकते हैं? अगर हाँ, तो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क का दावा करने वाले पेनिस्टन आखिरी शख्स नहीं है, बल्कि इतिहास इस तरह के दावों से भरा पड़ा है, जहां कई लोगों का कहना है कि दूसरी दुनिया के जीवों या किसी अलौकिक शक्ति के हाथों मजबूर होकर उन्हें कुछ करना पड़ा। इब्राहिम, मोहम्मद और सेंट पॉल के बारे में कहा जाता रहा है कि ईश्वर इन्हें प्रेरणा देने आए थे। कहा जाता है कि मोसेस, कन्फ्यूशियस और कंबोडिया की जानी मानी हस्ती प्रिय प्रश्नोकार की मुलाकात भी कुछ ऐसे मेहमानों से हुई थी जिन्होंने उन्हें नैतिक मूल्यों और दर्शन के सबक दिए। भगवान ने उन्हें उनकी सच्चाई और भरोसे के लिए चुना। वो लोग लीडर्स थे और भगवान ने उन्हें कुछ खास पोजीशन दी। लोग उन लीडर्स की इज्जत करते थे और वो जानते थे कि इन्हें भगवान ने भेजा है। अगर हम एंशियंट एस्ट्रोनॉट हाइपोथेसिस की माने तो विजन कभी भी डिवाइन नहीं थे, बल्कि वो तो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल विजिट्स थी जिन्हें हमारे पूर्वज विजन समझा करते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता था इस सच में दूसरी दुनिया से कोई उनसे यहां पर उनकी दुनिया में मिलने आया है। शायद इसी वजह से किसी इंसान को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्रोत से मिलने वाले निर्देशों का सबसे अच्छा उदाहरण हमें बाइबल के मूसा की कहानी में मिलता है। बाइबलिकल बुक ऑफ एक्सोडस के हिसाब से मूसा का ईश्वर से पहली बार सामना एक जलती हुई झाड़ी के रूप में हुआ था। यही उन्हें यहूदियों की गुलामी से निकालकर एक बेहतर जगह ले जाने का मिशन दिया गया था, और जब बाद में यहूदियों को सुरक्षित रेगिस्तान तक ले आए तब माउंट सनाई पर उन्हें 10 कमांडमेंट सौंपे गए थे। ये ईश्वर के मनुष्यों को सीधे तौर पर दिए गए नियम थे। बाद में यही मोरल कोड्स तो पूरी दुनिया में एक धर्म की नींव बने। लेकिन एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के हिसाब से मूसा की कहानी सिर्फ एक दिव्य अनुभव नहीं, बल्कि एक एलियन से हुई मुलाकात भी है। ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से मोसेस माउंट साइनाई पर परमेश्वर से मिलने गए थे, और जैसा उन्होंने लिखा है वहां उन्होंने इज़राइल के ईश्वर को देखा जिनके पैरों के नीचे बड़े बड़े सफायर के पत्थर थे, और ये सब कुछ बहुत ही दिव्य और अलौकिक था। अब मेरा सवाल यही है कि क्या सच में ऐसा कुछ था, या फिर वो किसी तरह का मेटालिक रैम था जो उन्हें समझ में नहीं आया। मगर रुकिए, ये यहीं खत्म नहीं होता है। मोसेस ने दरअसल धरती को बाहरी स्पेस के हिसाब से डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं, अब मैं पूरी धरती को देख सकता हूं, उसकी ऊंचाई और गहराई को एक साथ एक बार में। अब जरा सोच के देखिए, उन्होंने धरती को गोल कहा है। उस टाइम तो ये बात बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी पता नहीं थी कि धरती का आकार सच में गोल है। क्या इसकी संभावना है कि मूसा पर सिर्फ अलौकिक ताकतों का ही नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया का भी प्रभाव था? अगर हाँ, तो क्या इन दिव्य अनुभवों का मूल भी दूसरी दुनिया में था? पुचिनी का कहना था कि उनका महान ओपरा मडामा बटरफ्लाई उन्हें भगवान से मिला था। मतलब उन्होंने बस उसे लिखा था, लेकिन उसका ओरिजिन एक डिवाइस सोर्स से था।
वहीं विलियम ब्लेक का पूरा ओपस, उनका लिखना, उनकी पेंटिंग, सब कुछ रिपीटेड एंजेलिक विजिटेशंस के बारे में था। ब्राम्स भी यही कहते थे कि उनके संगीत का ओरिजिन उनकी एक्सिस्टेंस से परे था, वो सिर्फ उनका एक माध्यम थे, उसका पूरा क्रेडिट वो किसी डिवाइन पावर को देते थे। क्या ये संभव है कि कला, संगीत, साहित्य और धर्म से जुड़े महानतम काम मानवता को दूसरी दुनिया से मिले उपहार हैं? अगर ऐसा है तो एलियंस ने खुद इन्हें हमारी दुनिया को क्यों नहीं दिया? किस वजह से उन्होंने कुछ चुनिंदा मनुष्य को इसका माध्यम बनाया? शायद इसका जवाब कई दूसरे एलियन संदेशों की ही तरह हमें धरती के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थानों में से एक माने जाने वाले इस जगह पर मिले। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की माने तो दूसरी दुनिया की ये जीव सदियों से हमसे संपर्क कर रहे हैं, मगर ये क्या कहने की कोशिश में है? हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर हम यहाँ धरती पर किसी छिपी हुई अथॉरिटी जैसे स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, जो हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, जो शायद हमारे पूर्वजों से भी मिले थे, जो शायद ह्यूमैनिटी के साथ तब से काम कर रहे हैं जब से हमारा एवोल्यूशन शुरू हुआ, और शायद ये हमारे ग्रोथ को सही दिशा में ले जाने के लिए टाइम टाइम पर इंटरवीन भी करते रहेंगे। आखिर वो कौन था जिसने हमारे पूर्वजों को एक बिल्डिंग या फिर एक आर्क बनाने के लिए कहा था? मुझे लगता है कि यह सब इंसान की प्रजाति को जिंदा रखने के लिए किया गया था। वैसे तो बुरे देवताओं और बुरे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ज्यादातर पुरानी कहानियों में ईश्वर बहुत दयालु थे और इन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स ने भी आज तक जिंदा रहने में सिर्फ इंसानों की मदद की है, उनका कोई नुकसान नहीं किया। ये बहुत अद्भुत है। मनुष्य से जुड़ी घटनाओं में दैवीय चमत्कार वाली सबसे पुरानी घटनाएं जल प्रलय से जुड़ी कहानियों में पाई जा सकती है। फ्लड मिथ्स आपको सिर्फ बाइबल में ही नहीं मिलेंगे, वो पूरी दुनिया में फैले हैं। आपको ये पूरे साउथ अमेरिका में मिलेंगे, ये नेटिव अमेरिका की परंपरा का भी हिस्सा है। आपको ये सेल्टिक परंपरा में मिलेंगे, रैग्नारॉक की ग्रेट फ्लड्स वाली कहानी इसी बारे में है जो एशिया से है। नेटिव अफ्रीकन्स के अपने फ्लड मिथ्स हैं। तो नोआ की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है जो बाइबल में लिखी है, वो एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। बाढ़ के बारे में लिखा हुआ सबसे पुराना मैथिक गिलगमेश के महाकाव्य में उत्नपिष्टम की कहानी है। ये प्राचीन सुमेरियन कहानी हजारों साल पुरानी क्ले टैबलेट्स पर लिखी मिली थी। उत्नपिष्टम की कहानी तो नोवा की कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इनके बीच बस थोड़े से डिफरेंस हैं। उत्नपिष्टम की कहानी में जीव उसके घर की दीवारों से उससे बात करते थे और फिर वही घर इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्राफ्ट बन जाता है। नोवा की ये तरह उत्नपिष्टम ने भी आने वाली बाढ़ से पहले हर तरह की जीव को इकट्ठा किया, लेकिन क्या हर तरह के जानवर को इकट्ठा करके उन्हें एक ही विमान में रख पाना संभव है? या हो सकता है कि आग को एक कहीं ज्यादा एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस के लिए एक मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो? सुमेरियन कहानी में ये आग एक क्यूब की शेप में है। हमारे पास ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो हाइपर डायमेंशन फिजिक्स मॉडल बनाने की कोशिश में है। इसमें वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हायर डायमेंशन का निर्माण कैसे हो सकता है और ये कैसे दिखते होंगे। इसे एक टेसरैक्ट कहा जाता है। टेसरैक्ट एक क्यूब के अंदर बना क्यूब होता है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि गिलगमेश के ओरिजिनल एपिक में जिस क्यूब की बात हो रही थी वो एक स्टार गेट पोर्टल था, और इसी की हाइपर डायमेंशन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उत्नपिष्टम ने सभी जानवरों को और सभी लोगों को धरती से दूसरी दुनिया में भेज दिया, और इसी वजह से वो सब उस फ्लड से बच गए।
पूरी दुनिया में मौजूद कई चर्च, मंदिर और दूसरी पवित्र जगहों के लिए कहा जाता है कि वहां के अलौकिक अनुभवों में देवदूतों, भगवान और दूसरी दुनिया के जीवों का योगदान है। मगर क्यों? क्या किसी और बड़ी शक्ति का सम्मान करने के लिए, या इसका कोई दूसरा मकसद है? ये है कंबोडिया का एंकोर वाट मंदिर। 16वीं शताब्दी में जब पहली बार पुर्तगाली मोंग एंटोनियो डी मैगलेना ने इस भव्य मंदिर को देखा तो उनका कहना था कि पूरी दुनिया में ऐसी विशालता वाला कोई भी दूसरा निर्माण उन्होंने नहीं देखा है। हर दिशा में कई किलोमीटर तक फैला यह मंदिर आज भी एंकोर वाट को पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक निर्माण बनाए हुए है। हालांकि मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में अपनी राजधानी में इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि कंबोडियन कथाओं के अनुसार इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में प्रिया प्रश्नोकार ने किया था। माना जाता है कि उनके पिता मनुष्य थे और माँ स्वर्ग से आई थी। जब प्रिया बड़े हुए तो देवता इंद्र के नेतृत्व में दूसरी दुनिया के जीव उनका अपहरण करके उन्हें एक उड़ने वाले महल में ले गए। प्रिया को ये मैसेज दिया गया कि उन्हें अब अपने लोगों का लीडर और टीचर बनना है। उन्हें ये सारी चीजें वहां ऊपर इंद्र के उड़ने वाले महल में सिखाई गई जो ऊपर आसमान में है। इस सब के बाद वो धरती पर लौट आए। प्रिया को अपने लोगों को दुनिया और यूनिवर्स के तरीके सिखाने के लिए चुना गया था। मिथकों की माने तो प्रिया को एंगर वाट का निर्माण करने का आदेश भी दिया गया। ये जगह सिर्फ शांति और अध्यात्म के लिए नहीं थी, बल्कि यह आसमान से आने वाली दूसरी दुनिया के जीवों का लैंडिंग जोन भी था, जिन्होंने वो सारी शिक्षाएं उसे दी थी। जिस तरह से लिखा गया है कि एंकोर वाट के कंस्ट्रक्शन में किसी टूल का इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रिया सिर्फ पत्थरों पर वो जादुई पानी डालते और थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पर जम जाता, और चाहे कोई कुछ भी करे वो अपनी जगह पर जमा रहता, बिल्कुल नहीं हिलता। जादुई पानी, क्या कह रहे हैं, जादुई पानी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे बस यही जानना है कि इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है कि प्रिया ने इतनी तेजी से इतना कमाल का शहर बना दिया, जैसा कि एशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। एंकोर वाट को बनाने वाले इंसान ही थे, लेकिन जिस सोफिस्टिकेशन के साथ उसका पूरा आर्किटेक्चरल प्लान बना है, उसे देखकर ये नहीं लगता कि उस वक्त के इंसानों के लिए ऐसा अकेले बगैर किसी बाहरी मदद के करना पॉसिबल था। 15वीं सदी में एंकोर वाट के उत्तर पश्चिम में लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक फ्रेंच लड़की को भी एक ऐसी ही दिव्य प्रेरणा मिली, लेकिन इस दफा निर्माण में नहीं, जंग के मैदान में लोगों का नेतृत्व करना था। 1429 में फ्रांस के ऑर्लियंस शहर को अंग्रेजों ने 100 साल चले युद्ध के दौरान घेर लिया था। उस वक्त फ्रांसीसी सेना और सरकार का टिक पाना असंभव लग रहा था। तभी 17 साल की जोन ऑफ आर्क ने शेटोशिनो पहुंचकर वहां के स्थानीय नेताओं को आश्वासन दिया कि सेंट्स माइकल, कैथरीन और मार्गरेट उससे मिलने आए थे, और उन्होंने उससे कहा है कि अगर वह ऑर्लियंस में मौजूद रही तो फ्रेंच सेना इस घेरेबंदी को सफलतापूर्वक तोड़ पाएगी। जोन ऑफ आर्क की कहानी सही मायनों में विजन्स को लेकर एक कमाल की घटना रही है, क्योंकि इसने असल में हिस्ट्री में कुछ बड़ा बदलाव किया था। फ्रांस उस वक्त बुरे हाल में था। इस प्यारी सी लड़की को एक विजन मिला जिसमें सेंट्स ने उसे आर्मी को लीड करके शहर को फ्री करने की बात कही थी। उसने वही किया। इन सारे विजिट से उसे जो प्रोफेसी मिली उससे उसने एक बड़े शहर को आजाद किया और साथ में हिस्ट्री को भी बदल दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने इन सेंट्स को अपने विजन में देखा था। सेना का नेतृत्व करते हुए जॉन ने हथियारों को लेकर ना सिर्फ नई रणनीतियां बनाई, बल्कि वह लगातार अनुभवी अंग्रेज सैन्य अधिकारियों को भी चकमा देती रही। लेकिन क्या यह रहस्यमय विजन सच में अलौकिक थे,
या फिर जैसा कि एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का कहना था, इस युवा लड़की को किसी तरह का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ज्ञान मिला था। अगर सही मायनों में ऐसा हुआ था तो उसका यही मतलब है कि किसी सुप्रीम पावर ने यह तय किया था कि अगर फ्रेंच ये जंग नहीं जीतते हैं तो इसका पूरी ह्यूमैनिटी पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, और तब किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव ने लोन ऑफ आर्क से कॉन्टैक्ट किया और उसे ये सारी जानकारी दी ताकि वो उस जंग में अपनी सेना को जीत दिला सके। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव इसी तरह से इंसानों के इतिहास से जुड़े रहे हैं तो क्या यह मानवता की बेहतरी के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई बेहद बुरा या ज्यादा भयानक मकसद है? उत्तर पश्चिमी टर्की का शहर हिसरलिक 3000 साल से भी अधिक पहले ये दीवारों से घिरा हुआ ट्रॉय शहर था। ग्रीक मिथकों के अनुसार ट्रॉय एक भीषण युद्ध का केंद्र बना। ये युद्ध ट्रोजन्स और एकियंस के बीच लड़ा गया, जिसे भड़काने का काम देवताओं का था। वहां हजारों लोग मारे गए थे और ट्रॉय शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं, और इसलिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी हमारे जैसे ही हैं, तो जैसा कि इंसानों का नेचर होता है उनका भी होगा, और वो भी साइड लेते होंगे। वो एक तरफ लोगों का साथ देते होंगे और वो कुछ लोगों के दुश्मन बन जाते होंगे। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें हों तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस के बुरे इरादे भी हो सकते थे, या फिर इसका ये मतलब हुआ कि अच्छे एलियंस की तरह बुरे एलियंस का होना भी सामान्य था? जब हम इन सभी कहानियों को गहराई से देखते हैं, जिनमें से कुछ असली हिस्टोरिकल घटनाएं भी हैं और जिनमें से कुछ में बहुत मार काट या तबाही हुई थी, तो हम खुद से कहते हैं कि शायद उन्हें हमारे भले की कोई फिक्र नहीं है। शायद उनकी चिंताएं और उनके आदर्श हमसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे यहां धरती पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी हैं। उनके मामले में चीजें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई पूरे यूनिवर्स में है, जैसे यिंग और यांग, यही तो बैलेंस है। मुझे नहीं लगता कि हर चीज इतनी सीधी सीधी होती है। बुक्स ऑफ एक्सोडस के कुछ ट्रांसलेशंस ये भी कहते हैं कि एक एंजल ने सारे फर्स्ट बॉर्न इजिप्शियंस मार डाले। कुछ में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि मैं बस इसे कोट कर रहा हूँ कि देवताओं ने फर्स्ट बॉर्न इजिप्शियंस को मार दिया। इस बात को मानना ही मुश्किल है कि ईश्वर जैसा दयालु और प्यार करने वाला कोई कैसे मासूम और बच्चों की जान ले सकता है। मेडिटेरेनियन से आधी दुनिया दूर अटलांटिका के पार मासूमों का एक और कत्लेआम हुआ, जिसके लिए कहा जाता है कि ये देवताओं के कहने पर हुआ। मेक्सिको का टेनोक्टिटलान शहर आज से 500 साल पहले, यह शहर एस्टेक साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान यहां के हाई प्रीस्ट टलाक्लियो ने यह दावा किया था कि उन्हें सपने के रूप में अपने देवता से एक निर्देश मिला है जिसमें उनके लोगों को इंसानी बलि देनी होगी। एस्टेक्स भी इस ग्रह की दूसरे सिविलाइजेशन के जैसे ही थे। उनका मानना था कि सपने दूसरी दुनिया से बात करने का एक रास्ता है, इसलिए इन सपनों का मतलब समझना बहुत जरूरी था, और यह हाई प्रीस्ट का काम था। अब सवाल यही है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह तलाकलल के दिमाग की उपज थी, या फिर उसने सच में कोई सपना देखा था जहां उसे एक इतना बुरा डिसीजन अपने लोगों पर थोपना था? लेकिन जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते रहे हैं कि बुरे देवता या बुरे एलियंस होते हैं, तो क्या हमें इस बात से डरने की जरूरत है, या फिर ये बुराई किसी संदेश में नहीं बल्कि संदेश पहुंचाने वालों में थी? इसकी पॉसिबिलिटी है कि
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के भेजे हुए कुछ मैसेजेस का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और उसे इंसान सही तरह से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये लगता था कि ये सभी मैसेजेस किन्हीं देवताओं ने भेजे हैं, जबकि वो मैसेजेस भेजने वाले कोई देवता नहीं थे। इस चीज के तो हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कि जहां लोगों ने मर्डर्स किए या वो करने वाले थे, उनका कहना है कि उनसे ऐसा करने के लिए देवताओं ने कहा था, और कई केसेस में पाया गया कि ये सब और कुछ नहीं बल्कि उनका इल्यूजन था। बाइबल की जेनेसिस की किताब में ईश्वर ने इब्राहिम को अपने इकलौते बेटे आइजैक की जान लेने का निर्देश दिया था, लेकिन क्या यह निर्देश सच में ईश्वर की ओर से आया था, या फिर इब्राहिम को यह संदेशा भेजने वाले एक से ज्यादा जीव थे? हो सकता है कि इब्राहिम और आइजैक किसी एक देवता के कांटेक्ट में ना होकर एक से ज्यादा देवताओं से बात कर रहे थे, और शायद यही वजह थी कि उनके मैसेजेस आपस में कॉन्ट्रैडिक्टरी थे। जैसे इब्राहिम को एक देवता ने कहा कि अपने बेटे को मार दो, और दूसरे देवता ने कहा कि नहीं, उसे बख्श दो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो लड़ रही सिविलाइजेशंस या ट्राइब्स के बीच में फंस गए हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि उन देवताओं, उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को 100% मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें सब मालूम था। ये वैसा ही है जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं और खुद को वहां का देवता समझने लगते हैं, और फिर उस बात का फायदा उठाते हैं। हम वहां के जीवों से ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारे जैसे हैं, हम उनसे ये कहेंगे या तो तुम हमारी बात मानो नहीं तो। और बिल्कुल ऐसा ही आज से 10,000 साल पहले यहां धरती पर हुआ होगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट एक बात को लेकर निश्चित थे, एक बार संपर्क स्थापित होने के बाद संदेश पहुंचाने वाले मनुष्य का भविष्य जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। जब अंग्रेजी सेना ने जोन ऑफ आर्क को पकड़ लिया तो उसे धर्म नाम मानने वाला कहकर जला डाला गया। वहीं दूसरी तरफ सेंट पॉल, जो किसी दैवीय प्रभाव में अपना धर्म बदलकर ईसाई हो गए, उन्हें रोमन लोगों ने मार डाला। और जिन मूसा ने 40 सालों तक अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड का रास्ता दिखाया, वो खुद वहां कभी ना पहुंच पाए। जब भी ईश्वर किसी एक काम को करने के लिए खास शख्स को चुनेंगे तो हर बार उसका विरोध होगा। मोसेस का विरोध खुद फैरो ने किया और पॉल को लोगों ने पत्थरों से मारा, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको चुना भी गया है तो वो किसी बोझ से कम नहीं है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के मैसेज मिले होंगे, उनमें से कुछ को तो पहले यही डर लगा होगा कि अब उनकी अपनी जिंदगी खत्म हो गई है, उसमें कुछ नहीं बचा। उनके अंदर ये डर बैठ गया होगा कि उनकी बात कोई नहीं मानेगा या फिर लोग उन्हें पागल समझेंगे। लेकिन क्या इन इंसानी संदेशवाहकों का पागल कहलाए जाने का या मरने का डर दूसरे संदेशों के ना आने की वजह हो सकता है, या फिर इनमें से कई ने अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लिए थे क्योंकि उनके लिए सच का बोझ असहनीय होने लगा था? पूरी दुनिया में मौजूद अरबों लोग बाइबल और कुरान जैसी पवित्र किताबों को ईश्वर का कहा मानते हैं। करोड़ों हिंदुओं के लिए महाभारत अध्यात्म की राह पर ले जाने वाला माध्यम है, जिसे खुद भगवान कृष्ण ने मनुष्य को दिया। इन सभी पवित्र किताबों में धार्मिक नियमों को दर्शन, कहावतों और नैतिक मूल्यों के रूप में लिखा गया है। हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरे ये मैसेजेस कई तरह से मौजूद हैं। किसी का आना एक सपना, कभी कोई चीज एक टैबलेट या गोल्डन प्लेट या फिर एक किताब। किताब एक ऐसी चीज है जो हम में से किसी के लिए कोई अनजानी चीज नहीं है, लेकिन अगर इसी के साथ किसी तरह का कोई डिवाइन एंगल जुड़ा है तो फिर यह कोई आम किताब नहीं रहती। आज भी धरती पर मौजूद ज्यादातर लोग बाइबल, टोरा और कुरान को ईश्वर का कहा मानते हैं, लेकिन इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये किताबें सिर्फ एक तरह की गाइड बुक हो जो हमें ये समझाती है कि जिंदगी को आखिर जीना कैसे है, क्या सही तरीका है?
और हमें ये मॉरल कोड्स उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स से मिले हैं जिन्हें हमारे पूर्वज ईश्वर कहते थे। मुझे नहीं लगता कि महाभारत में कुछ भी फिक्शन है, उसमें सब हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री में सिर्फ धरती के इंसानों की ही हिस्ट्री नहीं है, इसमें दूसरे प्लैनेट पर रहने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में भी है और उनका धरती के इंसानों के साथ जो इंटरैक्शन हुआ था वो भी है। दुनिया भर की संस्कृतियों में माना जाता है कि ईश्वर और दूसरे देवी देवता लगातार आपस में बात करते रहे हैं, वो भी इन प्रोफेट्स के माध्यम से। कुरान में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इस पूरे समय के दौरान लोगों के हर वर्ग के लिए एक प्रोफेट को भेजा था। कई नेटिव अमेरिकन समुदायों में माना जाता है कि ईश्वर शम्स के जरिए बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन ग्रीस में ओरेकल्स के जरिए करता था। ओरेकल एक इंसान ही है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो किसी डिवाइन स्टेट में है, जो ईश्वर की आवाज सुनकर उसके मैसेजेस को इंसानों की समझ में आने वाली किसी आसान भाषा में पूरी तरह ट्रांसलेट कर दे। क्या यही बात जुडायो क्रिश्चियन धार्मिक लेखों पर भी लागू हो सकती है? क्या देवदूतों और चमत्कारों से जुड़ी बाइबल में लिखी ये कहानियां असलियत में प्राचीन समय में एलियन से हुए संपर्क का एक गलत अनुमान है? इस तरह की विजिट्स का मकसद लोगों को एक नया नजरिया देना या नई पॉसिबिलिटीज के रास्ते खोलना हो सकता है, या फिर ये किसी चीज पर एक नया आर्टिस्टिक टेक हो सकता है, या हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बिल्कुल नया प्लान हो। कई बार हम एक ही सोच में अटक कर रह जाते हैं, हमारे पास उससे बाहर निकलने के लिए कोई नई सोच या नजरिया नहीं रह जाता, और ऐसे में इस तरह के विजिट्स सोच के नए रास्ते खोल देते हैं। अगर ये सच है तो एस्ट्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी और फिजिक्स के क्षेत्रों में मिली सफलताओं की जांच से हम एलियंस के साथ संपर्क के और भी कई सबूत ढूंढ सकते हैं, और अगर एक कदम और आगे जाना चाहें तो हमें कुछ जवाब मैथमेटिक्स में भी मिल सकते हैं। 13 फरवरी सन 1913 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, यहाँ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर गॉडफ्रे एच हार्डी को एक खत मिला जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरम्स और फॉर्मूलास थे। इसे भारत के 26 साल के श्रीनिवास रामानुजम ने भेजा था, और इन प्रोफेसर ने जो पढ़ा उससे वह दंग रह गए। हार्डी ने थ्योरम्स को देखकर बस यही कहा, ओह माय गॉड, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर की मैथमेटिक्स है, ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आम इंसान इसे सोच ही नहीं सकता, ये किसी और ही दुनिया से आई है। रामानुजन को बचपन से ही प्रतिभा का धनी और मैथमेटिक्स का विद्वान माना जाता था। वो बहुत धार्मिक थे, उन्होंने अक्सर ये दावा किया था कि उनकी ये सफलताएं हिंदू देवी नामागिरी ने उन्हें सपनों में बताई थी। तब से अब तक पिछले कई दशकों में उनकी ये सभी थ्योरम्स स्ट्रिंग थ्योरी जैसी अत्याधुनिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अनमोल रही हैं। हमें ऐसी साइंस चाहिए जिससे हम पोर्टल्स बना सकें, स्टारगेट से ट्रैवल कर सकें, जिसमें हाइपर डायमेंशनल एक्सेस मैकेनिज्म हो, लेविटेशन हो, टेलीपोर्टेशन हो। इन सब की फाउंडेशन में मैथमेटिक्स ही तो है, और हमारे पास इसके क्लोजेस्ट कुछ हैं तो वो रामायणन इक्वेशंस हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत ही समझ पाए हैं, और जो रामानुजन के सपनों में उन्हें उन गॉडेस से मिली थी। क्या वाकई रामानुजन को टेलीपैथी के जरिए ऐसी कोई जानकारी मिल रही थी जिससे इंसान एक पोर्टल या दूसरी डिमेंशन या एलियंस की दुनिया में जाने वाला स्टारगेट बना सके? अगर हाँ तो क्यों? आखिर जिसे कुछ लोग एलियन कम्युनिकेशंस मानते हैं उनका मकसद क्या है? अक्टूबर 2010, इंग्लैंड के रेंडलशैम फॉरेस्ट में कथित एलियन एनकाउंटर के बाद पिछले 30 सालों में रिटायर्ड मिलिट्री एयरमैन जेम्स पेनिस्टन और जॉन बरोस ने शायद ही कभी एक दूसरे से बात की है, लेकिन आज भी इन दोनों पर उस अनुभव का असर बना हुआ है। वो हम दोनों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था, और इन
इवेंट्स का एक ही मेन प्रॉब्लम है, ये आपकी लाइफ बदल देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या था। हमारी सरकार को इसके बारे में पता है, उसे हमें बताना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं आपको नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्टली कैसा था, क्या था और कहां से आया था। इस कथित एलियन एनकाउंटर के कुछ समय बाद जेम्स पेनिस्टन को ऐसा लगा कि उन्हें नंबर्स की एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस लिखनी है, और तब उन्होंने मजबूर होकर वंस और जीरोस की ये सीरीज लिखी, जो उनका दावा है कि उन्होंने उस स्पेसक्राफ्ट को छूने पर देखी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ रैंडम नंबर्स थे? ये सब मुझे याद था किसी मेमोरी की तरह नहीं, बल्कि जैसे दिमाग में जिस पर ये कोड्स लिखे थे, कुछ बाइनरी टाइप कोड्स। मैंने काफी टाइम तक इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे मजबूर होकर इसे लिखना पड़ा। अब जाकर हम समझे हैं कि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले बाइनरी कोड को समझना होगा। और अगर हम इस बात को समझ चुके हैं तो यूनिवर्स में बाकी लोग भी इस बात को जानते होंगे। और जब हमें रियलाइज होता है कि हमारे पूर्वजों को भी इसके बारे में पता था, तब समझ आता है कि वो चीज जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एलियंस का एक दूसरे से बात करने का तरीका था। 3 दशकों तक पेनिस्टन ने इस रहस्यमय सीक्वेंस को अपनी एयरफोर्स नोटबुक में छिपा कर रखा था, जहां ना किसी ने उन्हें समझा ना ही सुलझाया। मैं सच में बहुत डर गया था। मैं वहां बैठकर सोचता था कि मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ठीक नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो सब कुछ बहुत अजीब था, मैं किसी को बता नहीं सकता था। वो मुझसे मेरे गन ले लेते, मुझे मिलिट्री से बाहर कर देते। उस वक्त हर चीज दांव पर लगी थी। मैं उस वक्त एग्जैक्टली यही सब सोच रहा था कि अगर मैं किसी को जो मैं सोच रहा हूं वो बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे रिफ्यूजल ऑफ द कॉल भी कहते हैं, जो समझदार से समझदार लोग भी कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोजेक्ट है, एक काम या कोई एक मिशन है, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं, हम खुद पर डाउट करते हैं और जिंदगी बदलने वाला मौका हमसे छूट जाता है। इसे सही तो नहीं कह सकते। वायुसेना छोड़ने के बाद जब पेनिस्टन यूनाइटेड स्टेट्स लौटे तो उन्हें लगातार जंगल के अपने अनुभव के सपने आते रहे, और वो बार बार उन रहस्यमय सीक्वेंसेस के बारे में सोचते रहे। उनका क्या मतलब है मुझे आज भी नहीं पता। मैंने उन्हें कभी किसी को दिखाया भी नहीं। मैं तो सिर्फ अपना काम करने गया था। अब तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और आखिरकार अक्टूबर 2010 में पेनिस्टन ने 6 पन्नों पर अपने हाथों से लिखे वंस और जीरोस एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को दिए। उसे उम्मीद थी कि शायद इन अजीबोगरीब सीरीज का कोई तो मतलब निकलेगा। क्या कोई 6 पेज के बाइनरी कोड लिख सकता है? मतलब उन्हें किसी की मदद चाहिए होगी या फिर उन्हें कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने उस सीक्वेंस को अपने कंप्यूटर में ट्रांसक्राइब करना शुरू किया। मुझे लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर पता चला कि ये एलियंस के द्वारा भेजा गया एक मैसेज था। जब निक ने सारे नंबर्स कंप्यूटर में ट्रांसक्राइब किए तो एक टूटा फूटा वाक्य बना जिसमें लिखा था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज फॉर प्लेनेटरी एडवांस। इसी संदेश के दूसरे हिस्से से नेविगेशनल कोऑर्डिनेट्स मिले। क्या ये संदेश हमें जवाबों तक ले जाएंगे जिन्हें मानव जाति लंबे समय से ढूंढ रही है? इस बात का सबूत कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, अब ये अच्छे के लिए था या बुरे के लिए? प्लैनेटरी एडवांसमेंट का क्या ह्यूमन रेस से कोई कनेक्शन हो सकता है? पता नहीं, या कोई ऐसा है जो अर्थ को कॉन्कर करने के लिए यहाँ आ रहा है। अगर हम नेविगेशनल कोऑर्डिनेट्स की बात भी करें तो इनकी लोकेशन एक डूबे हुए रहस्यमय द्वीप पर स्थित है जिसे केल्टिक कथाओं में हाई ब्राजील कहा जाता था। माना जाता है कि एक ऐसी सभ्यता का गढ़ था जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। इसे कभी कभी द अदर एटलांटिस भी कहा जाता है। हाई ब्राजील को एक ऐसी मिस्टीरियस जगह माना जाता है जहाँ के लोग
सिविलाइजेशन वाइज अपने टाइम से बहुत आगे थे। वो साउंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, उनके पास वाइब्रेशनल हीलिंग टेक्नोलॉजी थी, वो खुद को बहुत सिविलाइज्ड मानते थे और बाकी पूरे यूरोप के लोग उन्हें जंगली लगते थे, जिनके साथ रहना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें वहां सबसे दूर रहना अच्छा लगता था। लेकिन अगर पेनिस्टन की नोटबुक से मिले कोऑर्डिनेट्स को सही माने तो इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है वो लोग एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स थे और वो स्वेंडलचेम फॉरेस्ट में लौट रहे थे और उन्हें वहां एक ऐसा शख्स मिला जो उनके मैसेज को समझ सकता था, तो शायद वे उनके जरिए हमें बताना चाहते थे कि जिन लोगों को हम हाई ब्राजीलियंस कहते हैं वो अभी भी वही हैं और शायद वो फ्यूचर में हमारी दुनिया के साथ किसी तरह का कॉन्टैक्ट बनाए जिससे वो हमारी और उनकी दुनिया के बीच कम्युनिकेट कर सकें। मेरे ख्याल से ऐसे इंसिडेंट डेफिनेटली होंगे जो ना तुमको याद होंगे ना ही मुझे याद है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दोनों को याद हैं। राइट, एड भी तो यही कह रहा था कि उसने मुझे मेरी गन निकालते हुए देखा था और फिर हम दोनों ब्लैकआउट हो गए थे, मुझे वो याद नहीं। दिसंबर 2010 में जेम्स पेनिस्टन और जॉन बरूज रेंडलशम फॉरेस्ट की उस जगह लौटने वाले हैं जहां उन्होंने 30 साल पहले वो रहस्यमय एयरक्राफ्ट दिखने का दावा किया था। हम दोनों को वहां जाना ही होगा, शायद वहीं जाकर हमें याद आए कि वहां क्या हुआ था 1980 के दिसंबर में। अगर पेनिस्टन और बरूज फिर से उसी जंगल में लौटते हैं जहां उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को देखा था तो इस बार वहां उन्हें क्या मिल सकता है, और सुराग या फिर कोई और संदेश? और उस रहस्यमय बाइनरी कोड का क्या जो पेनिस्टन की नोटबुक में मिला है? क्या इस वाक्य एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज फॉर प्लेनेटरी एडवांस और इन अजीबो गरीब जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स का कोई मतलब है? क्या हमें इस बात का कोई सुराग मिल सकता है कि दूसरी दुनिया के जीव हमें मिलने या हमारे बारे में जानने आते हैं? क्या ये घटना उन असंख्य घटनाओं की ओर एक इशारा है कि एलियंस बहुत पहले से हमसे मिलने आते रहे हैं, ईश्वर के समय से? तो क्या वो ये सब हमारी मदद के लिए कर रहे हैं या इसलिए कि कल हम उनकी मदद कर सकें? इस चैनल पर आपको ब्रह्मांड की अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ देखने, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियो मिलेंगे। आप यहां पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए है, तो देर ना करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्री को और मेरे साथ इस अद्भुत खोज और साहसिक यात्रा में शामिल हों।